कैंपिंग करनी है भाई, देख लो। स्नो है जी। इतना बड़ा थैला लेकर आए वो नहीं भूले, इतना सामान लेकर आए हैं जितना 5-7 दिन जैसे कैंप लगाना वो नहीं भूले। सोचो ये इम्पोर्टेंट चीजें जो होती है वो भूल जाते हैं। पापा। हाँ जी बेटा। I love you too, मेरे बच्चे। तो गाइस मुझे ना एक चीज आप पक्का बताना कमेंट करके कि किस किस ने कुकर में मैगी बनाई है। आज मैंने कुकर में मैगी बनाई है। गाड़ी की प्रमोशन करने लग गया यार हमारा बच्चा। एडवेंचर भी करने हैं और क्लब भी है यहाँ, और आपको वो भी दिखाएंगे कि पहाड़ी क्लब दिखाएंगे आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो ये वाला ब्लॉग बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं ट्रिप पे जिसपे हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हैं। और हम लोग सबसे पहले कैंपिंग करने वाले हैं और कैंपिंग का सारा सामान जो है वो रूप ने यहाँ इकट्ठा करके लगा दिया। वो यहाँ तो सिर्फ मैंने खाने वाला सामान डाला है जो हमने खाने के लिए लेके आए हैं। जो हम कैंपिंग करेंगे कुछ कुक करके बनाएंगे बस वो, क्योंकि पहला पेट पूजा बाकी काम दूजा बाद च। ये देखो हमने कितना कुछ यहाँ रखा हुआ है। कितना स्कूटर तो दिखा लो को अपना। मैं तो उठे जाके ना यार पापड़ ताड़ने हैं यार, छोटे होंदे थे ना कोई गड़ी वाले पापड़ ले आई जड़ी उंगली में पाके आए खाए करते थे वही वाले पापड़ ले आई। वो देखो ये राधा का स्कूटर भी आया है। तो गाइस ये सामान है हम लोग नीचे गाड़ी में रखने जा रहे हैं। गाइस ये आदित्य यहां सामान लगा रहा है, इसने लगा दिया अभी हमारे बैग में। अभी तो सामान है, अभी तो बहुत सारा सामान पड़ा है। गाइस सामान ऐसा नहीं होता, हम अंदर से दिखाते हैं। गाड़ी की प्रमोशन करने लग गया यार हमारा बच्चा। अभी हम लेके आते हैं सामान फटाफट। सामान लेने जा रहे थे इसने यार पूरे व्लॉग में मेरे को बोलने ही नहीं देना है। उन्होंने फटाफट अपा लेके आते हैं सामान। हमारे हस्बैंड गए हुए हैं सामान लेने डीमार्ट, उनको भेजा डीमार्ट क्यों आप ना खाने का सामान लेके आना बहुत सारा, हम भी थोड़ा बहुत यहाँ से लेने जा रहे हैं। खाने के सामान की कमी नहीं होनी चाहिए, वो लेने जा रहे हैं। हमने उनको बोला कि आपने तो बड़ी मस्ती कर ली घूमने, जाए आप अकेले, अब हमारी बारी है, अब हमने मस्ती करनी है, चला अब हम लेके आते हैं फटाफट। तो गाइस हम लोग अपना सामान सामून लेके निकल गए, पीछे गाड़ी पूरी फुल कर ली है। उठे हुए तो हम सुबह के 5 बजे गए, हमने सोचा हम पूरे 6 बजे ना घर से निकल जाएंगे, करते करते तैयार होते होते फिर भी 7 बज गए। 7 बजे निकले हम लोग घर से, बाहर रोशनी हो गई, हमने सोचा था अंधेरे में जाएंगे और टिड्डी भी उठ गई है। ये हमने फोन चुकाया, ये ना इसका ना एलईडी टीवी, पीछे अगर कोई लोग होए ना ये दिखाता है इसके अंदर, ठीक है कैमरा मतलब, और ना इसमें ना गाने भी लगा सकते हैं अगर कोई काम करना हो, किसी को कॉल करना हो, सब कुछ होता है। सबको पता लग गया जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दे। तो गाइस हिमाचल में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से देखो आप कितने अच्छे से व्यू शुरू हो भी चुके हैं। अभी तो सिर्फ एंटर भी नहीं हुए, बस स्टार्टिंग पॉइंट ही है ये समझो। इनको देखो इनकी मौज है। ये पता क्या बोलते हैं कि सुबह ना हम जल्दी निकल जाएंगे, चाहे 3 बजे 4 बजे ये ऐसे बोल देते हैं। पता ये क्यों बोलते हैं, इनको पता है हम तो रास्ते में सो जाना है, ड्राइवर चलाने वाला चलाएगा। जब ये ट्रैफिक लगना शुरू हो जाए ना तो वहाँ से हमें समझाना चाहिए कि हम शिमला पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल, वैसे भी 2 किलोमीटर रह गए, अभी तो बोर्ड वगैरह सब कुछ लग चुके, लेकिन शुरू में जब छोटा सा होता था मैं तब आता था तब ऐसा आइडिया लगाते थे घर वाले कि जब ट्रैफिक लगना शुरू हो जाए तो समझ लो हम शिमला पहुँचने वाले हैं। अब एक अंकल ने बोला कि ना थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पर सेफ जगह, वहाँ पर जाके हम टेंट लगा लेंगे। तो चलो हम चलते हैं, और अभी पापा गाड़ी चलाएगा। मैं ना कैंपिंग के लिए प्लेस नहीं मिली तो एक बंदे से पूछा, राधे वो बता रही है आगे सेफ जगह, वहाँ पे कैंप लगाना। तो गाइस अब हम पहुँचे इतनी अच्छी जगह, आगे का व्यू कितना अच्छा है। ये व्यू पॉइंट है गाइस, यहाँ पे जब हम शिमला से कुफरी की तरफ जाते हैं तो यहाँ लोग पिक्स वगैरह क्लिक करवाते हैं तो पीछे का व्यू अच्छा आता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और गाड़ी, और हमारी गाड़ी बहुत खड़ी है। हाँ। ऊपर भी जाएंगे अभी हम। हाँ, इस जगह पे ये बालू देखने यहाँ जाएंगे हम। सेल भी होता है। हाँ। वो उठा ले रहा है पापा, वहाँ सेल भी होता है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ रुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए। ये देखो ये पूरे रास्ते उल्टियां करते आई है और अब पीछे गोलगप्पे खाने के लिए रुक गई, कहती मुझे गोलगप्पे। यार मन खराब हो रहा है, मैंने कहा थोड़ा बहुत खट्टा खा लूं। मन खराब इसका खाने के लिए होता है और कुछ नहीं। खाओ निकालो पाड़ो में बस। पकड़ो कैमरा, मेरा नंबर है। इसका भी चेहरा देख लो भाई, ठंड लग रही है यार अंदर, तो कुछ भी नहीं था गाड़ी में।
जी क्या खा रहे हो आप? रंग बिरंगी प्लेट। रंग बिरंगी प्लेट, इसको रंग बिरंगी प्लेट मिल गई। कुछ मत डालना बच्चों को, सीधा पानी और ये डाल के दे। गाइस हमें ना यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ पे भी स्नो मिल जाएगी, तो मैंने सोचा ये काई तो नहीं जमी हुई है, लेकिन गाइस ये स्नो है। ये देखो स्नो है ये, और मैं ऊपर से लेके आया था स्नो, उन्होंने ब्लॉग ही नहीं बनाया उस वक्त। आगे देखते हैं फिर, और आगे चलते हैं कि अब तो स्नो भी मिल जाए। इनको कैंपिंग करनी है भाई, देख लो। नीचे मत चली जाना यार, स्लिप हो रही हूँ। अरे तो जगह कैसी लगी? अच्छी लगी, लेकिन वहाँ कचरा बहुत है बेटे। यहाँ पे पहले किसी ने कैंपिंग की होगी। हाँ, यार ये कौन से चील के पेड़ बोलते हैं ना इनको। हाँ। देख लगे हुए इनके ऊपर, जो हम बोनी लेके आए थे। हाँ। वो देख, वो लगे हुए इसके ऊपर। हाँ ये देखिए, छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं। आ जाओ उधर को, आगे तक घूम के आते हैं। ये देखो गाइस इधर का व्यू देखो, बड़ा अच्छा व्यू है, जगह बड़ी अच्छी मिल गई। पर बहुत घूमने के बाद ये वाली जगह मिली है, वहाँ नीचे से सामान आ रहा है हमारा। ऐसे लग रहा है ना बादल बिल्कुल हमारे पास में है। तो गाइस ये जगह हमने चूज किया, इतनी जगह पीछे छोड़ दी, वो हमें अच्छी नहीं लगी, ट्राई बिछा ली। अब यहीं पे गैस वगैरह लेके आएंगे और कुछ बनाएंगे। ये देखो किसी ने ना यहाँ कैंपिंग की भी है शायद, उन्होंने पत्थरों पे आग जलाई हुई है। पर आधे पापा देखो कहाँ से आ रहे हैं, वो देखो कहाँ गए थे आप। उधर से भी एंट्री अच्छी है, और मतलब उधर से सही जल आ सकता है बंदा। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ लगाई है, वहाँ ऊपर है, वो चोटी पे लगाई है ना। खींचो लो उसको, उठाओ उधर से, अभी तो उठा वाला मी वाला मी, ऐसे टांग मर वो हो जाएगी थोड़ी। यहाँ जो अभी बोलेगी ना वो बात तेरे को फिर से बाप। वो नीचे बुला रही है, वो सामान लेने गया हमारा बंदा, वो खड़ी है गाड़ी। ये देखे ये उसको बोल रही थी, तो जैसे ऐसे बोलो राध्या राध्या, गिरी निकालूंगी ना उसमें से, बादाम जैसी गिरी निकलती है। तू सानू बादाम ना खुआ, तू बस तू खुद बादाम खाया कर, ताकि तन्नू थोड़ा पता लगे। बूट खोल, ऊपर बूट लेके नहीं चढ़ना, पता तन्नू ये सेट डाइनिंग टेबल आ, चल खोल। अच्छी प्लेस है गाइस, ये देखो ऐसा व्यू है आसपास का। पहले तो ये व्यू देखो आप, अब ये मुझे कॉपी कर रही है पौड़ी नुमा। देखो ये पौड़ी नुमा, ये देखो ये सही में यार आ रही। वो पंछी भी दिखाओ भाई, पंछी का है मुझे नहीं दिख रहा है, कहाँ से दिखाऊं मैं। एक पेड़े से दूसरे पेड़े पे बैठे भाई, ये आधे तो जूड़ भी बोलती है, तुक्के लगाती है। एक पेड़े से दूसरे पेड़े पे बैठा पेड़ा एक चीज और बताऊं, ये जो इन्होंने कलर कर रखा है ना, ये सेब के पेड़ है सारे। इनका जब सेब का सीजन खत्म हो गया ना, उन्होंने उस पे ना कली फेर दी, वो देखो चिट्टी चिट्टी कली, सारी कली तो फेरी। कहां पे हमें कुछ नहीं दिखता यार जो तू। हां बेटा चलो मैं आपको ना लाल पत्ते दिखाती हूं। हां चलो आराध्य लाइव दिखाएगी, इसके बाद तुक्के नहीं लगाएगी। ये देखो भाई लाइव छोटे 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 आराध्य की, बेबी बेबी। तो आज सन रोटी बना के खाओ, हमने अकेले बड़ा खाना बनाया, अब आप सीधे खाना खुना बनाने, अब हमें भी बना के खिलाओ, हम बात करेंगे। आप खाओ मेरे हाथ का, अगर खा सकते हिम्मत रखते हो मेरे हाथ का खाने की बना देते हैं। आप बनाओ, हम ना मैगी बनाते हैं। ठीक है बेटा मैगी बनाएंगे, दो बने, अब दो शेफ हो गए, दोनों मिलके बनाते हैं। राधे को पता है कि मैं मैगी पानी डाल दूंगी, पानी और मसाला डाल दूंगी। ठीक है, आज मम्मी की रेस्ट है, हम घर पे भी खुद खाना बनाते हैं ना, आज पापा और बेटी हमें खाना बना के खिलाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम गाड़ी से ऊपर जाते जा रहे थे ना, हमको पता भी नहीं था कि ये ना इतना बढ़ जाएगा, और देखो ये कितना सारा बढ़ गया, मोटा हो गया बिल्कुल। इसमें हवा भर गया। क्या क्या बोली? मोटा हो गया बिल्कुल मानसी, मम्मी का सा मानसी ये नई मैगी लेके आया है। ये देखो यार, ये भी कोई लॉजिक है ना, साइंस पढ़नी पड़ेगी। प्रेशर बढ़ता जाता है ना हवा का, मुझे लगता है मुझे साइंस पढ़नी पड़ेगी। तू मेरी तरफ पिट्ठ का दे करके बैठी है सीधी हो बैठ। नहीं बैठे बूट बोल बैठे तो दूसरी तरह ही थी तेरी तरह, अब तू पीछे आ गई मैं आ गई। अरे आधे तेरे ओरियो बिस्कुट भी मोटे हो गए। हाँ ये देख, अरे बिस्कुट तो गोल ही होते हैं, पर ये देखना इसमें कितनी हवा भर गई, पॉलिथीन मोटा हो गया बेटे। घर पे थोड़ी होता है कोई, या कचरे के लिए ना एक पॉलिथीन कर लो, जो भी हमारा कचरा होगा ना हमने यहाँ ऐसे नहीं फेंक के जाना, क्योंकि औरों के लिए भी कैंपिंग करनी होती है ना, बाकियों ने भी, तो गंदगी फैलाना गंदी बात है। हम पूरा कचरा जितना भी जो भी रैपर वगैरह सब कुछ है वो एक पॉलिथीन में डालते जाना है, जहाँ हमें डस्टबिन मिलेगा हम वहाँ पे डालेंगे। और हम पता कौन सी पॉलिथीन में जा रहे हैं, जिस पॉलिथीन में हम चम्मच लाए थे।
हमारी बेटी डिटो सही बताती है पूरा। हमारे में झूठ का कोई सिस्टम नहीं, जो चीज आराध्या बता रही है तो समझो वो सच है। देखो उसे हम कुछ भी नहीं सिखाते, वो अपने मन से बोलती है। हमें कितना शौक था, हम फोक बर्तन भी नए लेके आए कैंपिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है इनका ये। मैंने तो थोड़ा से खोल भी लिया थोड़ा बस। अब मैगी डालो, रुको अभी थोड़ा पानी गर्म हो लेने दे, अपने बीच में रिझ जाएगी मामसी। एकदम से पानी होगा ना इसमें गर्म, ये दूसरा सिलेंडर है, तेज करो ना इसको। नहीं वो ही फ्लेम बड़ी बाहर जा रही है हवा की वजह से ना। ला रहा दे पैकेट मैगी वाला, मैं डाल लेती हूं। डाल लेना, यहाँ के ना इतनी ड्राइनेस हो गया हाथों में, वो हो गए ड्राई बिल्कुल। ड्राई छोड़ अब मेरे को धूप में बैठने से गर्मी लग रही है, मजा आ रहा है मेरे को तो बड़ा। मैं तो भी लाडू ला, मैं खोल के दूं तुझे, गिर ना जाए तेरे से आराम से। जब हमें लगे ना हम मोटे हो गए हैं, इतनी दूर से क्यों डक रहे हैं पहाड़ों में, एक घर ले लो। जब हमें लगे ना हम मोटे हो गए हैं, आया करो पहाड़ों में, पैदल ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, देख पतले होते। और सच्ची पहाड़ों के लोग तभी इतने पतले होते हैं, वो बेचारे कितना वर्क करते हैं खुद से। ये मेरा बच्चा डस्टबिन में डाल दिया कागज, अगली बार से हम ये भी ध्यान रखेंगे छोटा सा डस्टबिन। अगली बार से हाँ छोटा सा डस्टबिन साथ ही लेके आएंगे, जब मनाली जाएंगे ना तब साथ लेके जाएंगे। यहाँ भी हमें थोड़ी थोड़ी स्नो मिली, अभी क्या बता गई यहाँ स्नो, हमने तो स्नो का मजा लेना है। अगर इसी साइड ज्यादा अच्छी स्नो होती हुई तो हम यही आ जाएंगे अगली हम बार। तो सिर्फ स्नो के कारण आते हैं। राधे बोल रही है मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा, जल्दी बना के दो ले। तो गाइस हमारी जो ना सिलेंडर की आग थी ना वो इधर उधर फैल रही थी, हमने ना जुगाड़ किया इसके चारों तरफ पत्थर लगा दिए। अब हमारे पास पतीली तो थी पर वो थी छोटी, मानसी बंद है वो थी। हाँ ये बंद है ले लड़ो, छोटी थी ना तो उसमें मैगी पूरी नहीं आनी थी हम बंदों के लिए, तो हम कुकर में मैगी बना रहे हैं। हम लोग ना अगर छिलाना भूल गए कांटा चम्मच लगे, नहीं वो है ना इसमें। ये एकदम इतना बड़ा थैला लेकर आए, वो नहीं भूले, इतना सामान लेकर आए हैं जितना 5-7 दिन जैसे कैंप लगाना वो नहीं भूले। सोचो ये इम्पोर्टेंट चीजें जो होती है वो भूल जाते हैं, शुक्र है मुझे तो भूलते। तो गाइस एक चीज और दिखाओ मैं आपको, मैगी के पैकेट देखो, वो तो चलो भूल गया, वो तो मैं पास से दिखा देता हूँ, पैकेट मैगी के नहीं भूले ये। ये देखो हाँ देख लिया, अब क्या करें इसमें, ये देखो आगे से दिख रहा है। लो इनको काट को दो यार मेरे को, आप भी दो। पापा हाँ जी बेटा, आई लव यू टू मेरे बच्चे। याद आ गया तुझे आज फिर से बार 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 पापा को आई लव यू बोलना है ना। ये डाल देना साइड पे रख लो, वो रखो मैंने नैपकिन के लिए। कितने पॉलिथीन डालने, कितने सारी मैगी पैकेट डालने, दो सबके डाल लो, तीन हो गए। मैं तो कम ही खाऊंगा दो, मैं भी नहीं खाऊंगी दो, अपना दो डाल ले बाकी एक एक, इतना थोड़ी पेट भरना आगे, और कुछ नहीं खाएंगे इतनी दूर घूमने आए हुए हैं। ये राधे की मानसी मम्मा राधे को खिला रही है मैगी। हम दोनों ने घर से प्लान किया था ये, है ना। तो गाइस मुझे ना एक चीज आप पक्का बताना कमेंट करके कि किस किस ने कुकर में मैगी बनाई। आज मैंने कुकर में मैगी बनाई है, अब देखते हैं खाके भी कैसी बनी है। और हाँ अगर किसी ने सीखनी है ना मेरे ब्लॉग में देख लेना मैं कैसे कैसे मैगी बना रही थी कुकर में। तो गाइस ये हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है, और आज हम लोग पता नहीं कितने दिनों के बाद कितने महीनों के बाद ऐसे इकट्ठे खा रहे हैं। मैं खिला रही हूँ अपने पापा, प्रिंसेस हमें भी खिला दे। प्यार इतना ही नहीं करती, कितना मारती है एक मम्मा और दूसरी नहीं मारती। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? ये दोनों, ये दोनों शुक्र है। जो ऊपर आप जाकर बोल रहे हो तूने मेरी गनी बेइज्जती करा दी कैमरे के सामने। तो गाइस हमने ना वो सारा कचरा जितना हमने जो भी खाया है वो सारा हमने पैक कर दिया है। ये भी आदित्य डाल दे उसी में ही, और ये बिस्किट मेरे को दे दे, ये पंछियों को डाल देते हैं क्योंकि ये वेस्ट हो चुका है, तो ये हम पंछियों को यहाँ। रूप ना कभी कभी समझदारी वाली बातें भी कर लेती है गाइस, तो हम इसलिए बिस्कुट भी पंछियों को डाल दे, रख देते हैं यहाँ पे, अपने आप खा लेंगे वहाँ पे, रख दे पत्थर के ऊपर साफ पत्थर। तो गाइस अब हमारा यहाँ कैंप होता है खत्म, अब हम निकलते हैं आगे, बहुत फन करना, बहुत कुछ दिखाना भी आप लोगों को हमने। का इशारा करेगा मैडम तो अभी छोड़ना हाथ उससे पहले नहीं, ठीक है रेडी। हाँ।
तो गाइज ये जो हमने ब्लॉग में ड्रेस पहनी हुई है ना, आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रही है, ये ड्रेस हमने मंगवाई है जून बेरी से। हम पता हम लोग शिमला जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उसी शाम को ये पार्सल हमें रिसीव हुआ। पहले हमने कोई और कपड़े चूज किए हुए थे कि हम वो पहन के जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमने ये खोल के देखा इतना अच्छा हमें ये डेनिम का जो कॉर्ड सेट है व्हाइट ब्लू कलर का इतना प्यारा लगा, वो हम दोनों पे इतना सूट किया ना, हमने बाकी वाले कपड़े निकाल दिए और वो सिलेक्ट कर लिए कि हम यही पहन के जाएंगे। आप लोगों को उनकी आईडी भी स्क्रीन पे दिख रही होगी और हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप लोग एक बार जरूर उनसे कपड़े खरीदना क्योंकि उनके जितने भी प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छे है। ये जो उन्होंने हमें भेजा था इसका कपड़ा भी अच्छा है और डिजाइन भी बहुत अच्छा, पैटर्न और ये एक ट्रस्टेड अकाउंट है, आप प्लीज इस पे जाके ना खरीद के देखना। हमें तो बहुत अच्छा लगा, मटेरियल भी अच्छा लगा और हमें पहने हुए भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। इनके और भी बड़े सारे ड्रेसेस है, आप इनका इंस्टा अकाउंट खोल लोगे तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपको जो अच्छा लगे आप खरीद सकते हो। अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो नेक्स्ट वाला व्लॉग आने वाला है वो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होगा क्योंकि अभी हमने बहुत सारी जगह ऐसी है जो अभी एडवेंचर भी करने हैं और क्लब भी है यहाँ, और आपको वो भी दिखाएंगे कि पहाड़ी क्लब दिखाएंगे आपको कि कैसा होता है, कैसे क्लब बने हुए हैं यहाँ पे। अभी हमने आपको दिखाई है वादियाँ, मेरे पीछे भी देखो वादियाँ हैं, सारी वादियाँ ही वादियाँ हैं। तो ये दिखाया है और हमारा जो अगला व्लॉग है वो 9 बजे आएगा कल, 9:30 मैं थोड़ा टाइम का ना आगे पीछे हो जाता हूं, अब 9 बजे से देखना शुरू कर देना, स्क्रॉल करना, तो बहुत सारा एडवेंचर करना, बहुत सारा आपको मजा आएगा हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ आप भी इन सब सारी जगह पे घूमोगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाय बाय गाइस, बाय बाय।